चलिए अब हम जानते हैं कि ग्रुप डाटा का हम मीनिंग कैसे आप फाइंड करेंगे। तो उसको फाइंड करने से पहले हम देखते हैं कि मीनिंग के बारे में कुछ इसके जो फॉर्मूला है ठीक है उसको जानते हैं और उसके जो भी टर्म्स है उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इस पर हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है एल एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। तो कुछ टर्म्स ऐसे आप जानते होंगे ठीक है, जैसे एल का मतलब यहाँ पर क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास ठीक है। एन यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी ठीक है। उसके बाद सी एफ, सी एफ का मतलब होता है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी आपको जस्ट बताएंगे कि सी एफ का मतलब क्या होता है ठीक है। तो ये होता है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, जो भी मीडियन क्लास होगा उसके ठीक ऊपर वाला जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसे कहेंगे हम लोग सी एफ। नेक्स्ट हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे होगा एफ इसमें वो है क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो भी मीडियन क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा एफ होगा। और एच जानते हो क्या हमारा क्लास साइज ठीक है। ये तो हो गया इसके टर्म्स के बारे में। अब हम लोग इन सबको एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आप समझते हैं ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन से आपको समझाते हैं। यहाँ हमने एक क्वेश्चन लिखा है, अब हम लोग इसका इस ग्रुप डाटा का हम लोग क्या फाइंड करेंगे मीडियन फाइंड करें। तो मीडियन फाइंड करने से पहले यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है, एक हमको लिखना है सी एफ ठीक है, जिसके बारे में जो हमने देखा था सी एफ के बारे में। तो ये सी एफ होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो कि फर्स्ट क्लास इंटर्न में कितने हैं स्टूडेंट्स की संख्या 5 है, तो इसका फर्स्ट सी एफ जो जाएगा वो 5 आ जाएगा ठीक है। ये हमारा सी एफ कितना आ जाएगा 5, मतलब इस इंटरवल तक बच्चे कितने हैं टोटल बच्चे कितने 5 ही हैं ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट इंटरवल की बात करें तो यहाँ तक सी एफ कितना जाएगा, मतलब पहले इंटरवल में 0 से 10 में कितने बच्चे 5 हैं, लेकिन 0 से 20 में 0 से 20 तक कितने बच्चे जाते हैं 5 + 3, इसको आप ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा 8। तो ये जो 8 स्टूडेंट्स है ये जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं इसका मतलब ये हो गया कि ये 0 से 20 तक, क्योंकि 0 से 10 में 5 है और 10 से 20 में कितने हैं 3 है, तो टोटल कितने हो गए 0 से 20 में 5 + 3 मतलब 8 ठीक है। दैट इज कॉल्ड सी एफ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक। सिमिलरली अगर हम इसको ऐड करें 8 + 4 को 12 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 12। इस 12 का मतलब क्या होगा कि 0 से लेके 30 तक कितने बच्चे हो जाएंगे 12 बच्चे हो जाएंगे। तो इस तरह आप क्या करो इसको आप वर्टिकली ऐड करते चले जाओगे ठीक है, क्रॉस इनको ऐड कर जाओगे। 12 + 3 कितना जाएगा ये 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 + 7 29, 29 + 9 38 + 7 45 और 45 + 8 ये जाएगा 53 ठीक है। 53 जो आया ये आपको कहलाता है टोटल फ्रीक्वेंसी एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारा एन कितना आ गया तो चल सकते हैं जो आपने देखा था, तो एन हमारा आ गया 53 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई उसकी 53 ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे n बाई टू निकालेंगे, तो n बाई टू क्या जाएगा 53 डिवाइड बाई टू, इसको डिवाइड करके कितना जाएगा 26.5 आ जाएगा। तो हमारा जो वैल्यू जो होता है मीडियन का वो डिपेंड करता है n के ऊपर ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो भी n का मान आया n बाई टू का जो वैल्यू आया है 26.5, अब हमें देखना है इस सी एफ के अंदर कि इसके नियरेस्ट या इससे बड़ा वैल्यू देखना है, 26.5 के नियरेस्ट या उससे बड़ा वैल्यू देखना है। तो 26.5 का आप देखो सी एफ में कौन सा वैल्यू आया इसका नियरेस्ट, तो नियरेस्ट कौन सा आएगा 29। 22 क्या है इसे छोटा है, लेकिन आपको हमने क्या बताया कि 26. जो भी आपका एन बाई टू आएगा उससे इसका जो वैल्यू आएगा वो नियरेस्ट होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। तो नियरेस्ट वैल्यू कौन सा हो रहा 29, आप इसको घेर लोगे ठीक है, इस बॉक्स में से करके घेर लोगे, ये आपका बन जाएगा, ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा मीडियन क्लास। तो आपको यहाँ से मीडियन क्लास निकल गया, मीडियन क्लास तो मीडियन क्लास कितना आ गया 60 to 70 ठीक है। इस मीडियन क्लास में आप जानते हो ये लोअर लिमिट और ये क्या है अपर लिमिट है, तो यहाँ से एल कितना आ गया, एल आ गया 60 ठीक है। और इसी मीडियन क्लास का आपने देखा था एफ लिखा हुआ था फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 7 है, यहाँ से एफ कितना आ गया 7 ठीक है। अच्छा इसका डिफरेंस क्लास साइज यहाँ से निकल गया एच, एच कितना आ जाएगा 10। नाउ अब अंतिम टर्म बच गया सी एफ, तो सी एफ लिखा हुआ था जो भी मीडियन क्लास है उसके ठीक ऊपर वाला
मीडियन क्लास है उसके ठीक ऊपर जो CF आएगा वो हमारा बन जाएगा कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आप जो लिखा होता है इस मीडियन क्लास के फॉर्मूला में CF, जो उसमें लिखा होता प्रीसीडिंग जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है उसके ठीक ऊपर हमको लेना है CF, तो उसके ठीक ऊपर कौन सा है 22। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग एक फॉर्मूला पर पुट करेंगे और यहाँ से हम लोग मीडियन फाइंड कर लेंगे। चलिए तो हम हमारा पुट करते हैं, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस CF बाई एफ इन टू एच, ये हमारा फॉर्मूला। चलिए यहाँ पर फॉर्मूला को पुट कर लेते हैं, तो मीडियन हमारा हो गया एल कितना हमारा है 60 प्लस एन बाई टू 26.5 है माइनस CF 22 है, अब बाई एफ कितना हमारा 7 है और इंटू एच कितना हमारा 10 है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से कितना जाएगा 60 प्लस 26.5 में से 22 जाएगा तो कितना जाएगा 4.5 बाई 7 इंटू 10, इसको उठा के यहाँ से 10 दे देंगे, 10 से 10 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 60 और प्लस 45 बाई 7, तो 45 बाई 7 में भाग अब डिवाइड कर दो कितना जाएगा ये 4 7 6 जा 42.30 7 4 जा 28 2 0 7 2 जा, तो इसका आंसर आ जाएगा 66.42 मिलियन। तो हमारा इसका आंसर आ गया मिलियन का 66.42। ठीक है, तो एक बार फिर से बताते क्या क्या करना था कि आपको ये क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था। सबसे पहले क्या करोगे आप यहाँ से CF फाइंड करोगे, CF का उन्होंने बता दिया कि फर्स्ट जो आपका होगा क्लास इंटरवल जो जिसमें फ्रीक्वेंसी जो भी दिया रहेगा आपका फर्स्ट वैल्यू वही आएगा क्योंकि उसमें टोटल फ्रीक्वेंसी उसकी उतनी होगी। लेकिन सेकेंड इंटरवल से क्या होगा, आप इसको ऐड कर लोगे 5 + 3 ये 8, और ये 8 बता रहा है कि इस इंटरवल तक इसके स्टूडेंट्स की टोटल संख्या कितनी है। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ से फिर इसको 8 + 4 कर लोगे 12, ये बताएगा कि 0 से लेकर 30 तक के कितने बच्चे हैं। ठीक है, इस तरह ऐड करके हम निकाल देंगे CF, और जो लास्ट आएगा ये बताएगा टोटल फ्रीक्वेंसी, तो हमारा ये बन जाएगा n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ से हम लोग n लिख दिए 53। अब यहाँ से क्या निकालेंगे n/2 निकालेंगे, n/2 जो भी आएगा अब हमको क्या करना है, इस वैल्यू को चेक करना है इसके नियरेस्ट या इससे बड़ा वैल्यू। ठीक है, तो इसके नियरेस्ट वैल्यू कौन सा आ रहा था 29, इसके इसको हम घेर लेंगे और ये जो बनेगा ये बन जाएगा मेरा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हमने लिख दिया 60 से 70, जिसमें ये हमारा बन जाएगा लोअर लिमिट L60, और इसी मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारा बन जाएगा F, और इसका जो डिफरेंस है वो बन जाएगा H, और जो CF बच गया वो CF इसके ठीक ऊपर का लेना है। ठीक है, जस्ट प्रीसीडिंग, तो CF कितना है 22। अब इसको हम मीडियन के जो फॉर्मूला है उस पर पुट करके यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग दो तरह टाइप का और क्वेश्चन देखेंगे, इसमें एक होता है लेस देन टाइप और एक होता है मोर देन टाइप, उसके ऊपर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।